हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BHIC 134। इसमें हम यूनिट नंबर 11 की बात करने हैं, जिसमें हम बताएंगे महात्मा गांधी के जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे। ठीक है, तो आप उन सब के बारे में जानते हो, जैसे कि इनके जो आंदोलन थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर में जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर क्या यूनिट नंबर 10 तक पूरा हो चुका है। यूनिट नंबर 11 इस वाली वीडियो में जो है कंप्लीट हो जाएगा। परिचय के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रवेश ने क्या किया, महत्वपूर्ण कदम उठाया। ठीक है, मतलब कि जब महात्मा गांधी आए तो राष्ट्रीय आंदोलन को और बल मिला, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी क्या किया, बहुत सारे इसमें कार्य किए। शुरुआत में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी ने चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में जो वहाँ पर हुआ था फैक्ट्री के मालिक और मजदूरों के बीच, वो सारी चीज़ें स्थानीय स्तर पर अपने राजनीति तरीके से उन्होंने, जो भी उनसे हो सका, उन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो की। ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी का जो संघर्ष था दोस्तों, वो अहिंसात्मक था। मतलब कि वो हिंसा नहीं करते थे। ठीक है, उनके जितने भी आंदोलन हैं, जितने भी कार्य उन्होंने किए, वो उन्होंने किससे, अहिंसा से रिलेटेड किए। उन्होंने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। ठीक है, असहयोग पर आधारित थे ये सभी जो चीज़ें थी, ये क्या है, असहयोग पर आधारित थी। इन तरीकों के जरिए उन्होंने तीन मुख्य संघर्षों का नेतृत्व किया। ठीक है, इनके बहुत सारे इन्होंने जो है आंदोलन किए थे छोटे बड़े, लेकिन जो तीन है उसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं। जैसे कि असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, ये सारी जो ये जो तीनों है ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। एक और बात जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि इनका जो भी आंदोलन था, जो भी ये कार्य करते थे, वो अहिंसा के ऊपर था। ठीक है, जिसने भारत की आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता को नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के जरिए प्रेरित किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन्हीं सभी कार्य से क्या हुआ, जो हमारा देश है वो आज़ाद हुआ और सभी जो नागरिक है उनको उनके अधिकार जो है प्राप्त हो पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सारी जो बातें हैं ये बताई गई है। आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो है देश को जानना। ठीक है, तो इस टॉपिक में दोस्तों क्या है कि महात्मा गांधी के गुरु थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया महात्मा गांधी को कि भाई तुम ये सारी चीज़ें जो कर रहे हो, तो इससे पहले तुम देश को जानो, समझो, ठीक है, भारत की स्थिति को समझो, भारत के अंदर घूमो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस टॉपिक में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत लौटे तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। ठीक है, उसके बाद भारत में उनके राजनीतिक गुरु की जो भूमिका है वो निभाई है किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो गोखले जी ने क्या कहा गांधी जी को कि पहले तुम भारत को समझने के लिए, ठीक है, उनको बोला कि भाई तुम क्या है, सबसे पहले भारत को समझो, तभी क्या है कि तुम वहाँ पर सभी स्थिति को समझ पाओगे। ऐसा माना जाता है ना कि जब भी हमें क्या करना होता है, किसी शत्रु से लड़ना होता है या किसी परेशानी का सामना करना होता है, तो उस समस्या का समाधान करने से पहले हमें उस परेशानी को बहुत डिटेल में समझना होता है। तो भारत के अंदर जब महात्मा गांधी आए तो उनको यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ना था, तो उनको अंग्रेजों की सभी चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, कि अंग्रेज कैसे काम करते हैं, उनकी क्या नीति है, ये सारी चीज़ें। इसलिए 1915 और 16 में गांधी जी ने अपना जो पूरा समय है, ज़्यादातर जो समय है, वो भारत के अलग अलग स्थानों पर दौरे में बिताया। उन्होंने पहले यहाँ पर जो 1915 से 16 में जितना भी टाइम था उनका, वो सारा उन्होंने क्या किया, फिर रिसर्च की, सभी चीज़ों को समझा। ठीक है, ये सारी चीज़ें की। अगर हम बात करें यहाँ पर सिंध, बनारस, हरिद्वार और रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन आदि की यात्राओं की इन्होंने, और गांधी जी ने क्या किया, भारत की स्थिति का पता लगाया कि भारत की जो स्थिति है वो किस कैसे चल रही है, और जो अंग्रेज है उसको किस तरह से जो है कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कौन सी जो टेक्निक है वो अंग्रेज जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों का इन्होंने पता लगाया। 1915 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर अपना जो आश्रम है उसको इसकी स्थापना कर दी। ठीक है, इस समय गांधी जी अधिकांश सभाओं में अपने पिछले काम के बारे में बताया करते थे। जैसे कि आपको पता है वो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद के खिलाफ जो है जो काम किया था। ठीक है, तो उनके अनुभवों और उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं
उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो है वो बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, तो सत्याग्रह क्या है, जो एक विचारधारा थी जिसमें जो बहुत सारी जो बातें हैं वो बताई गई थी, वो सारी बातें हम यहाँ पर समझते हैं। वो भी पूरी तरीके से अहिंसक था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सत्याग्रह गांधी जी की विचारधारा का सबसे प्रमुख पहलू था। ठीक है, तो सत्याग्रह इनकी विचारधारा थी जो कि जो दक्षिण अफ्रीका में ही रूप ले चुकी थी। ठीक है, तो इसका जो रूप है वो दक्षिण अफ्रीका के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी इसकी जो छवि है वो दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी संपूर्ण अहिंसक कार्य पद्धति को सत्याग्रह का नाम दिया। इन्होंने क्या है, सत्याग्रह को जो नाम दिया उसमें इन्होंने ये कहा है कि सत्याग्रह क्या है, सत्याग्रह एक अन्याय के खिलाफ लड़ने, अत्याचार से लड़ने और शोषण जो अगर किसी का हो रहा है तो उसके विरुद्ध लड़ने का और खड़े होने का जो ऊपर, मतलब इन सभी चीज़ों को मिलाकर इन्होंने इसका जो नाम है वो सत्याग्रह दिया है। ठीक है, उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ है किसी प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध हिंसा के स्थान पर शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से है। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी जो विचारधारा है इनको क्या है आपस में जोड़ा है और इसको क्या किया, सत्याग्रह का नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अहिंसा की। तो अहिंसा में क्या है दोस्तों, अहिंसा में जैसे कि मैंने आपको बताया जो गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे और वो शांति प्रिय काम करने वाले थे। ठीक है, उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे क्या हिंसा पैदा हो सके। इसका मतलब ये नहीं था कि जो गांधी जी थे वो हिंसा से डरते थे या वो ऐसी कोई विचारधारा रखते थे, नहीं। उनकी जो मतलब विचारधारा है, मतलब कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ लोग जो होते थे वो क्या है वो लड़ाई में विश्वास रखते थे। वो ये सोचते थे कि अंग्रेजों से अगर निपटना है तो हमें क्या लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, हमें हथियार उठाना पड़ेगा। और कुछ ऐसे विचारधारा रखने वाले थे जो कि बिल्कुल चाहते थे कि हम असहयोग कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है गांधी जी ऐसे थे जो कि अहिंसा के काम अहिंसा से काम लेते थे और असहयोग करने वाले थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने अहिंसा को सत्याग्रह का प्रमुख आधार माना। ठीक है, इन्होंने जो सत्याग्रह चलाया था तो उसमें भी क्या है अहिंसा को इन्होंने सबसे अपना बेस मॉडल बना के रखा था कि भाई वहाँ पर क्या होगी, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा के द्वारा किसी भी शक्ति और आंदोलन को जीता जा सकता है। गांधी जी का ये अपना पर्सनल मत था, उनका ये मानना था कि अहिंसा से क्या है किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है और किसी भी आंदोलन को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी का ये मानना है कि अन्याय के सामने कायर दिखने की अपेक्षा हिंसा करना बेहतर है। लेकिन प्लस में ये भी बात ये बोला करते थे गांधी जी कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको कायर कायर बनकर रहना है। कायर बनने से अच्छा तो क्या है कि आप हिंसा कर सकते हो, वो हिंसा करना ज़्यादा बेटर है कायर बन के रहने से। लेकिन आप अगर उस लड़ाई को हिंसा के बदले अहिंसा से जीत लेते हो तो वो तो हिंसा से भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ऐसा मानना जो था वो गांधी जी का था। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं हिंद स्वराज का विचार, इसके बारे में हम बात करते हैं। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में ये समझाया कि अंग्रेजों का जो प्रभाव है, ठीक है, अंग्रेजों का जो राजनीतिक प्रभाव है भारतीयों का वास्तविक शत्रु नहीं है। यानी कि यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भारतीयों का जो मेन दुश्मन है ना, जो शत्रु है वो अंग्रेज नहीं है और अंग्रेज ने जो हम पे राज किया वो नहीं है। जो भारतीयों का जो मुख्य शत्रु है यानी कि दुश्मन है वो है उनकी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, उसी पश्चिमी सभ्यता को हम अपनाने लगे हैं और भारतीयों इसी वजह से क्या है भारतीयों को ज़्यादा हानि हुई है। ठीक है, हमें क्या है हमें अपना स्वदेशी बनना चाहिए, ना कि हमें किसी की सभ्यता अपनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने ये बात बोली है, बल्कि भारतीयों का वास्तविक शत्रु जो है वो इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को बोला है जिससे भारतीयों को हानि पहुंची है। सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंची है वो भारतीयों को सभ्यता से पहुंची है, पश्चिमी सभ्यता से, ये कहना है गांधी जी का। गांधी जी ने कहा कि आधुनिकता के प्रभाव में आकर भारत के लोगों ने क्या किया, भारत के संस्कारों को भूल गए हैं। ठीक है, तो हमें भारत के संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए, इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि ये कैसे है। जैसे मान के चलो कि अगर आप क्या करते हो, अगर लोगों को वहाँ पर क्या अपनी सभ्यता वो छोड़ रहे हैं, जो खादी वस्त्र हम पहना करते थे अगर उसे छोड़ रहे हैं हम, और
अगर हम दूसरे जगह की क्या है फैशन को अपना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं अपने देश के जो पैसे हैं उनको दूसरे देश में भेज रहे हैं। अगर हम अपनी सभ्यता को ना भूलें और खादी वस्त्र को पहने, तो क्या है भारत के पैसे जो है भारत के अंदर ही रह जाएंगे और इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्या है कि जो हमें वस्त्र बेच रहे हैं जिनकी सभ्यता से हम प्रभावित हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, प्लस में हमारे देश में बनी वस्तु को अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारे देश में पैसे रह जाएंगे। गांधी जी का यहाँ ये कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए स्वदेशी, इसमें आ ही जाएगा वो टॉपिक। यहाँ पर देखिए, गांधी जी ने इंग्लैंड में मशीन से बने कपड़ों के स्थान पर खादी का इस्तेमाल करने का उदाहरण बताया है। गांधी जी ने ये कहा है कि इंग्लैंड में जो मशीन से बने हुए कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है, भारत के अंदर में उन कपड़ों के स्थान पर क्या है खादी कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए भारत के अंदर, और स्वदेशी को अपनाना चाहिए। ठीक है, उनका मानना था कि इसके माध्यम से क्या होगा किसानों की आय में वृद्धि होगी, है नहीं, क्योंकि जो किसान होंगे वो क्या करेंगे, वो अगर उसमें कपड़े अपने बनाते हैं, अगर कपड़े बनते तो वहाँ पर किसानों की जो इनकम है वो बढ़ेगी, भारत में जो लोगों की इनकम है बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा भारत से इंग्लैंड को हो रही धन की निकासी, यानी कि भारत से जो इंग्लैंड जा रहा है पैसा, ठीक है, उसकी निकासी को भी रोका जा सकता है। यानी कि वो पैसा जो हम निकाल के उनको दे रहे हैं वो नहीं देना है, वो पैसे भारत में ही हो जाएंगे, भारत में ही रह जाएंगे। ठीक है, और उससे हमारे भारत के लोगों को ही काम मिलेगा और उन लोगों की हानि होगी। ठीक है, इंग्लैंड के लोगों की क्या होगी, हानि होगी। तो यहीं यहाँ पर ये चीज़ जो बताने का जो है प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चंपारण में जन लामबंदी का प्रयोग, इसे समझते हैं। यहाँ पर हुआ क्या था, चंपारण के जो किसान थे उनको जो ब्रिटिश लोग थे यूरोपीय उपनिवेश, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने इनको बोला था, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा। ठीक है, वहाँ पर उनको दिक्कत ये आ रही थी कि उन्हें ये बोला गया था कि नील की खेती करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा था, उनको ये बोला गया था कि आप नील की खेती करो, क्योंकि आपको पता है कि जो नील की खेती थी उससे फ़ायदा होता था, क्योंकि वो एक वाणिज्य कृषि थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ के जो किसान थे उनको मजबूर किया जाता था नील की खेती करने के लिए। तो किसान नेताओं में से एक, जो किसान के जो नेता थे उनमें से जो एक थे वो थे राजकुमार शुक्ला। तो उन्होंने क्या किया, अपनी हालत को दिखाने के लिए गांधी जी को आमंत्रित करने के लिए लखनऊ तक चले गए। ठीक है, उन्होंने ये गांधी जी के पास मदद मांगने गए, उन्होंने ये बताया गांधी जी को कि हमारे चंपारण में जो है इस प्रकार की जो स्थिति है वो चल रही है। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, इस चीज़ की जाँच करवाई। ठीक है, और जाँच कराने के बाद इस यहाँ पर आए और इस जो चीज़ को है इसका समाधान निकाला। तो इसका समाधान ये निकला एट द एंड कि चंपारण आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि तिक काठिया प्रणाली को हटा दिया गया। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये तिक काठिया प्रणाली होती क्या है। तो दोस्तों देखिए, पहले आपको ये समझना है कि जो एक बीघा होता है, ठीक है, एक बीघा में 20 कट्ठा ज़मीन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर किसानों को ये बोला गया था कि तुम्हें क्या करना है, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा ज़मीन पे जो है यहाँ पर तुम्हें करनी पड़ेगी नील की खेती। ठीक है, ये कंपलसरी थी, इनको यहाँ पर जो है ये रूल बताया गया था, उसी को कहते हैं तिल काटिया प्रणाली। तो इसको हटा दिया गया था यहाँ पर, तो मतलब ये सभी जो रूल्स थे यहाँ पर से ख़त्म हो गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर खेड़ा के बारे में। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है पहले से पता होगी। यहाँ पर देखिए, 1918 के भीषण अकाल के कारण, 1918 में क्या हुआ था, अकाल पड़ा था, तो उसके कारण गुजरात के खेड़ा ज़िले में पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सरकार है वो किसानों से लगान वसूलने के चक्कर में लगी हुई थी। ठीक है, जबकि ऐसा रूल था राजस्व संहिता के अनुसार, इस रूल में ये था कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पादन के 1/4 से भी कम होता है, ठीक है, तो किसान जो है किसी प्रकार का जो है राजस्व नहीं देंगे, उनको जो राजस्व है वो बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, सरकार जो है इस बात को मान नहीं रही थी। ठीक है, किसानों से राजस्व जो है उनका माफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन माफ़ नहीं किया, माफ़ करने से इनकार कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों को लगान माफ़ कर देती है तो मैं उनको मना कर, और जो भी लगान देने में सक्षम किसान होगा वो स्वेच्छा से यानी कि अपनी इच्छा से लगान देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गांधी जी ने ये सारी जो बातें हैं ये बोली थी। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो मतलब बात क्या है, बात ये है कि यहाँ पर जो फसल बर्बाद हो गई अकाल के कारण, ठीक है, और रूल ये बोलता है कि अगर
यहाँ पर क्या है, फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाती है किसानों की, तो वहाँ पर क्या है, किसान टैक्स नहीं देंगे, ठीक है, कर नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो राजस्व संहिता के अनुसार ये बात है, और यहाँ पर क्या है कि किसानों को ज़बरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है किसानों से, जबकि वो उस क्राइटेरिया के अंदर में नहीं आते कि वो टैक्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आते हैं गांधी जी और ये बोलते हैं कि गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दो, और मैं उनको बोल के उन वो किसान आपको ज़रूर टैक्स देंगे जो कि किसान टैक्स देने में सक्षम होंगे, अपनी इच्छा से देंगे वो। तो ये सारी बातें हुई यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं देखिए। लेकिन सरकार ने कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति को कुर्क कर लिया, ठीक है। कुर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए लोन या टैक्स वैक्स नहीं देते थे ना, तो उस समय में क्या होता था कि उनके घर पर कब्जा किया जाता था, ठीक है, और उनकी संपत्ति, जैसे घर पे किसानों की संपत्ति क्या होगी, गाय भैंस, ठीक है, तो उनको बेचकर और वसूली की जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, कुर्क यहाँ पर लागू कर दिया और उनके मवेशियों को जब्त कर लिया। इसी बीच सरकार ने क्या किया, सरकार ने अधिकारियों को गुप्त संदेश दिया और लगान उन्हीं से वसूला जाए जो लगान दे सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर सरकार ने खुलकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाई, ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों ने खुलकर बेइज्जती नहीं करवाई, और गुप्त रूप से ये निर्देश दिया कि यहाँ पर जो है अंदर ही अंदर उन्हीं लोग से तुम टैक्स ले लो जो लोग टैक्स दे सके, और गरीब किसानों से मत लो। तो गांधी जी का यही मोटिव था यहाँ पर। तो इस आदेश से गांधी जी का जो है मतलब कि उद्देश्य पूरा हो गया और गांधी जी ने अपना जो आंदोलन है वो समाप्त कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब ऐसा जो है यहाँ पर हुआ। तो गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी अपनी बात मनवाते थे, ठीक है, अहिंसा के रूप में बात मनवाते थे, एक बार नहीं तो 10 बार बोलते थे, लेकिन वो अपना उद्देश्य जो है वो पूरा करवाते थे। तो यही सारी जो चीज़ें हैं वो होता था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात आती है अहमदाबाद की। यहाँ पर फैक्ट्री से रिलेटेड जो है वो काम हुए थे उसे समझते हैं। फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी ने गुजरात के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच जो है जो संघर्ष हो रहा था उसके बीच में उन्होंने जो है मध्यस्थता का काम किया, ठीक है। इसे समझिए क्या हुआ था, जो गुजरात के जो मिल मालिक थे और जो मजदूर थे उनके उनके बीच में संघर्ष हो रहा था, लड़ाई हो रही थी। अब किस बात को हो रही थी, तो मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच तत्कालीन जो विवाद था वो था प्लैग बोनस को समाप्त करने पर थी। यहाँ पर जो मिल के मालिक थे ये इनको प्लैग बोनस दिया करते थे, ये जो महामारी फैली थी प्लैग की, तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने एक बोनस की घोषणा की थी कि हम क्या तुम्हें बोनस देंगे, लेकिन उन्हें अचानक इस बोनस को समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो मजदूर थे मिल के वो भड़क गए और मजदूरों ने ये कहा कि मजदूर विवाद प्लैग बोनस के बदले, यानी उन्होंने बोला कि प्लैग बोनस तो तुमने ख़त्म कर दिया, कोई बात नहीं, मजदूरों ने बोला। लेकिन मजदूरों ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण 50% वृद्धि करो हमारे उसमें, जो उनकी जो सैलरी थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि 50% जो है वृद्धि करो, लेकिन जो मिल के मालिक थे वो 20% से अधिक वृद्धि नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो यहाँ पर जो सीन है वो क्या है। तो यहाँ पर ये जो बात है ये आराम से सुलझ सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहले बोनस मिलता था, अब बोनस नहीं मिलता, तो मजदूरों ने मांग की कि हमें 50% चाहिए, और मिल के मालिक यहाँ पर 20% दे भी रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है मतलब कि अप डाउन करके यहाँ पर जो बात को है ख़त्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है बीच में मिल के जो मालिक थे उन्होंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए गांधी जी इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे, यानी कि अब गांधी जी का कार्य क्या था, एक समझदार आदमी और यही करेगा जो गांधी जी ने किया। तो गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि मैं क्या है, मैं उनको मना लूँगा, ठीक है, आप 20 दे रहे हो वो 50 मान रहे, तो हम क्या है बीच में बात कर लेंगे। लेकिन बात तो यहाँ पर तब बिगड़ी जब मिल मालिक ने अपने वादे से मुकर गए वो, ठीक है, वो 20 देने को तैयार थे लेकिन वो क्या है मुकर गए, और हड़ताल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग कर दी ब्रिटिश सरकार से। उन्होंने बोला कि इस हड़ताल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दो। तो गांधी जी ने क्या किया, मजदूरों को राजी किया और मजदूरी में 50% की वृद्धि के बदले 35% की वृद्धि के लिए मजदूरों को तैयार किया, और मजदूर क्या है मान भी गए। स्थिति तब बिगड़ गई जब मिल मालिकों ने क्या किया, अब देखो इन्होंने और जो है यहाँ पर जो है काम गलत कर दिए मिल मालिकों ने। मिल मालिकों ने क्या किया, 22 फरवरी को मिलों में ताले लगा दिए और मजदूरों को बाहर कर दिया, यानी पूरा ही जो है उनका जो यहाँ पर जो काम है वो ख़त्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हो गया था, लेकिन एट द एंड इसका निर्णय ये लिया गया कि
कि मजदूरों को 35% की जो वृद्धि है वो मिल गई थी, ठीक है, 35% की वृद्धि उनको यहाँ पर मिल गई थी और सारी जो बातें हैं वो निपट गई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में जैसा कि आपको पहले से ही पता है, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या हुआ था कि गांधी जी ने ये बोला था कि हमें क्या करना है, हमें ब्रिटिश सरकार की सभी चीज़ों को असहयोग कर देना है, मतलब कि हमें क्या है उनकी किसी भी चीज़ के फेवर में नहीं जाना है, ठीक है, उसका असहयोग करो। तो वो अपने आप ही क्या है, अपने आप ही वो तंग हो जाएंगे, वो जो है हमारी मांगों को पूरा करेंगे, जो भी हमारी मांगे थे। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे मान के चलिए कि आपको क्या करना है, आपको अपने किसी स्कूल में, ठीक है, कोई सुधार करवाना है, ठीक है, तो सुधार करवाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, एक तो आप लड़ाई झगड़े से तोड़ फोड़ करो और दूसरा तरीका है कि आप क्या, आप ग्रुप बना के हड़ताल करो कि जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगी तब तक हम पढ़ाई नहीं करोगे। तो सबसे जो बेस्ट तरीका वो है, वो क्या है, वो है आप ग्रुप बना के हड़ताल पर बैठो। तो सेम यहाँ पर गांधी जी ने यही बोला और हड़ताल पर बैठे, प्लस में एक और रास्ता है हड़ताल के सिवा, वो किया इन्होंने, वो क्या है कि इन्होंने ये कहा कि हम असहयोग कर देंगे चीज़ों का, मतलब वही हुआ हड़ताल पे बैठने का कि मतलब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, हम बाहर बैठे रहेंगे जब तक हमारी उस प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जांपल था सिर्फ। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सेम यहाँ पर अंग्रेज़ों की से हुआ, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों में क्या हुआ, अंग्रेज़ इनकी जो बात है वो नहीं मान रहे थे, तो बात जब नहीं मान रहे थे तो इनके पास दो तरीके हैं, पहली बात तो यहाँ पर जो है कि आप अंग्रेज़ों को पीटना शुरू कर दो, जिससे क्या है वो भी पीटना शुरू कर देंगे, मतलब लड़ाई हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि जो भी उनकी सेवाएं करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, कोई जो बच्चा है उनके स्कूल में पढ़ता है, तो डॉक्टर अपना काम छोड़ दे और जो बच्चा है वो स्कूल जाना छोड़ दे, ठीक है, विद्यालय जाना छोड़ दे, जो वो है लॉयर है वो वहाँ कोर्ट में जाना छोड़ दे। तो यही सारी जो चीज़ें, मतलब उनकी जो चीज़ें थी उनको असहयोग कर दिया। यहाँ पर समझिए, 1921 के शुरू में असहयोग तथा बहिष्कार के लिए आंदोलन जोर शोर पर था, लेकिन आंदोलन के लिए अलग अलग चरणों में केंद्रीय मुद्दे बदलते रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए असहयोग आंदोलन तो हो रहा था, लेकिन असहयोग आंदोलन का जो केंद्रीय मुद्दा था, यानी कि जो मुख्य बातें थी, वो बदलती जा रही थी टाइम के अनुसार। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1921 की, ठीक है, आपको जो सन पकड़ कर चलना है वो चलना है 1921 में। तो जनवरी से मार्च, ये आपका महीना आ गया, जनवरी से मार्च प्रथम चरण था। तो इस समय जो मेन मुद्दा था वो था, इस समय का मुख्य मुद्दा था विद्यालय कॉलेज और कानूनी जो अदालतें थी उनका बहिष्कार कर दिया जाए और चरखे के प्रयोग पर बल दिया जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो विद्यालय जाना छोड़ो, कॉलेज जाना छोड़ो, जो लॉयर है वो वहाँ पर अदालत जाना छोड़ो, प्लस में क्या है इन सभी चीज़ों का बहिष्कार करो और चरखे का प्रयोग शुरू करो। तो ये जो मेन मुद्दा था यह था जनवरी से मार्च तक का 1921 में। अगर हम अप्रैल की बात करें, अप्रैल 1921 में तो दूसरा चरण आ गया जिसमें 20 लाख चरखे लगाना आवश्यक, ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद दोबारा सा चेंज हुआ और तीसरे चरण में आ गए हम यहाँ पर, कब, जून का समय आ गया। तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना मेन मोटिव था यहाँ पर कि भाई विदेश के कपड़े जो है, विदेशी जो कपड़े हैं उन्हें मत पहनो। ब्रिटिश राज सिंहासन के जो उत्तराधिकारी था प्रिंस ऑफ वेल्स, इसकी जो यात्रा है इसका बहिष्कार कर दो। साथ ही खादी की लोकप्रियता को बढ़ाओ, ये यहाँ पर क्या है तीसरा चरण था, ठीक है, यहाँ पर जो उद्देश्य अलग हो गया। उसके बाद अंतिम जो चरण था इसका उद्देश्य अलग हो गया, इसका क्या है, ये था नवंबर में, ठीक है, नवंबर महीने में। तो आंदोलन क्या उग्र हो गया, मतलब यहाँ पर जो लोगों की जो वो थी, जो पेशेंस करने की जो क्षमता थी, ठीक है, जितना भी इंतजार करने का उनका वो था, सहन शक्ति थी, वो सब खत्म हो चुकी है। और ठीक है, और उन्होंने गांधी जी ने अब डायरेक्ट किया है राजस्व ना देने की बात कर दी यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, लोगों ने राजस्व देने से इनकार कर दिया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो समय में लोगों ने क्या किया, राजस्व देने से इनकार कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कानून का उल्लंघन करना चालू कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे स्थिति गंभीर हो गई, ठीक है, स्थिति क्या है, खराबी होती जा रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस से बातचीत करने का निर्णय लिया, क्योंकि उस समय जो लोग हैं वो कांग्रेस की बात माना करते थे, ठीक है, हालांकि वो गांधी जी की बात माना करते थे। तो गांधी जी ने जो अपना संगठन बना के रखा था कि हाँ भाई हम कांग्रेस के साइड से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस की जो कांग्रेस से बात किया डायरेक्ट। उसमें और भी जो बहुत सारे अच्छे दिग्गज नेता सब थे, उन सब की जो मीटिंग वीटिंग है ये सब बुलाई जाती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कांग्रेस से बातचीत करने का निर्णय लिया और गांधी जी ने कांग्रेस का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया हेड के रूप में।
और आंदोलन को स्थायी तौर पर वापस ले लिया। ठीक है, तो जब बातचीत हो रही थी तो आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया, गांधी जी के हाथ में थी ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अस्थायी तौर पर टेम्परेली यहाँ पर जो है आंदोलन को वापस ले लिया गया। लेकिन बाद में बातचीत तो हुई, लेकिन बातचीत सफल नहीं हुई, जो मांगे करी गई थी वो मांगे मानी नहीं जा रही थी, तो आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं करो या मरो का आह्वान और आंदोलन का आरंभ, ये समझते हैं यहाँ पर, इसे समझिए। तो यहाँ पर क्या है, गांधी जी ने साफ साफ तौर पर ये बता दिया था कि करो या मरो, यानी कि आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, जो भी भारतीय है और जो भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं वो उनको यहाँ पर शामिल होना पड़ेगा। तो गांधी जी ने सभी वर्गों के को बोला कि आंदोलन में भाग लेना है सभी को। ठीक है, जो भी लोग हैं जो भारतीय हैं और भारत की आज़ादी को चाहते हैं, तो उनका संदेश था करो या मरो। ठीक है, ये आपने सुना होगा, डू और डाई जो है ये बहुत ही फेमस है। इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है 9 अगस्त की सुबह गांधी जी सहित कांग्रेस के सभी जो प्रमुख नेता थे कांग्रेस के अंदर में, गांधी जी के साथ और गांधी जी भी थे उसमें, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब भी इनको गिरफ्तार किया मतलब करने के लिए आए जाते थे, तो ये करने देते थे गिरफ्तार। ठीक है, कर लो भाई गिरफ्तार, क्योंकि ये अहिंसावादी थे। ठीक है, गांधी जी ने अहिंसा पे बल दिया था हमेशा से ही, अगर ऐसी कोई सीन होता था तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है, नहीं तो अगर लड़ाई झगड़ा करना चाहते तो गांधी जी को अगर कोई अरेस्ट करने आ रहा है तो वहाँ पर वो अरेस्ट करने नहीं देती जनता। लेकिन गांधी जी क्या है, वो अहिंसा के मार्ग पे चलते थे। ठीक है, तो आराम से जो है उनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाता था। लेकिन इससे क्या है, इसमें लोगों का जो आंदोलन था वो और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता था। ठीक है, और लोग जो है और ज़्यादा क्या है, गुस्सा हो जाते थे बहुत ज़्यादा, कि गांधी जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हो जाती थी। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी और उनके साथ अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी पर क्या है, देश में अलग अलग भागों पे, मतलब ये बात और ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, प्लस में उनके जो कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया, तो ये जन प्रतिक्रिया क्या है और तेज़ी से फैलती थी। शहर और कस्बों में हड़ताल हो जाते थे। ठीक है, जुलूस निकलने लग गए, प्रदर्शन का सिलसिला, ये सारी चीज़ें और नेक्स्ट लेवल पर चालू हो जाती थी। कांग्रेस के जेल जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर कांग्रेसी के जेल जाने के बाद, यानी कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे उसको जेल जाने के बाद, स्थानीय स्तरों पर युवा छात्र भी नेता के रूप में उभर कर आए। जो भी युवा छात्र थे, जो समझदार थे, जो लीड कर सकते थे, जिनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी थी, तो वो सभी जो है नेता के रूप में जो है वो उभर कर सामने आए। ठीक है, यानी एक तरह से आप देखो तो उनका जो जेल जाना है वो सफल रहा, क्योंकि जो वो चाहते थे वही होता था। अब यहाँ पर बात है आंदोलन का फैलाव। ठीक है, कि आंदोलन जो है किस लेवल पर जो है फैल रहा था, ये सारी बातें देखिए। अहिंसात्मक आंदोलन को सरकार ने क्या किया, दबाने की कोशिश की। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लड़ाई नहीं करते थे, तो इनको जो दबाना जो है सरकार के लिए आसान होता था, तो हमेशा ये दबाने की कोशिश करते थे। ठीक है, और यहाँ पर इस आंदोलन को भी दबाने की पूरी यहाँ पर जो कोशिश की उन्होंने, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों को संघर्ष हिंसा में बदल गया। अब क्या है, जब दबाने की कोशिश करा तो लोगों का जो गुस्सा है वो ऊपर और उठा, तो इससे क्या हुआ, सरकारी इमारतों, पुलिस थानों, डाकघरों पर हमले हुए। ठीक है, रेलवे स्टेशनों पर हमले हुए, रेल की पटरियों को उखाड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, बिजली का तारों को काटना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, और पुलों को नष्ट करना शुरू कर दिया, मजदूरों की हड़ताल कुछ अलग तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, बिल्कुल ही मतलब आप समझ सकते हो, अहिंसा जो वाली चीज़ थी वो हिंसा में बदल गई यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, फिर जो है दमन चालू हो गया। मतलब इस चीज़ को देखिए, जब होता क्या था, जब कहीं भी चीज़ अहिंसा से हिंसा के तरफ चली जाती थी, यानी कि सरकार को, ब्रिटिश सरकार को साफ लगता था कि अब क्या है, अब तो विद्रोह आंदोलन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया, मारपीट वाले लेवल पे, तो फिर इस चीज़ को क्या है, दबाना आसान हो जाता था। ठीक है, फिर किसी को कोई जवाब नहीं देना है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो चालू हो जाता था दमन। ठीक है, वो अपनी फोर्स बुलाते थे और वो अपने ब्रिटिश जो है सेना बुलाया करते थे और चीज़ों को जो दबा दिया करते थे, क्योंकि वहाँ पर अब लड़ाई झगड़े की बात आ जाती थी। यहाँ पर देखिए, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी, नज़रबंदियां, गोली चलाने लग गए, और ये सभी तरीके जो उनसे हो सका उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जो जोड़ है वो लगा दिया। उसके बाद सितंबर 1942 तक पुलिस ने गोली चलाया जिसमें 658 लोग मारे गए थे, और 1943 में ही, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 1060 लोग मारे जा चुके थे, और यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब ये संख्या क्या है, कितनी जल्दी कितनी ज़्यादा हो गई।
1942 के अगर अंत की बात करें हम, तो अकेले यूपी में ही अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि यहाँ पर 60,089 लोग गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। देखिए हुआ क्या था, आंदोलन प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों ने सामूहिक जुर्माना भी वसूल किया गया, ठीक है। जहाँ पर भी आंदोलन ज़्यादा हो रहा था उस क्षेत्र के जो निवासी थे उनसे सामूहिक रूप से जुर्माना वसूल किया गया, लाठी चार्ज किया गया, कोड़े मारे गए, ठीक है। पहले सजा होती थी कोड़े मारने की, बंदी बनाया गया, ठीक है। अनगिनत घटनाएं घटी इस प्रकार की, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो असफल हो गया, ठीक है। लेकिन इसने अंग्रेज राज से छुटकारा पाने के लिए जनता को दृढ़ इरादे को प्रकट किया। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, जो आंदोलन है वो असफल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर भारतीयों की निश्चय का पता चला, दृढ़ निश्चय का, दृढ़ इरादे का, कि हमें क्या है, हमें ब्रिटिश सरकार से क्या है छुटकारा चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, जो चीज़ें हैं ये जो है बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि क्या है कि अगर हम इससे पहले बात करें, 100-150 साल पहले बात करें, तो जो लोग जो थे ये नहीं चाहते थे कि हमें अंग्रेजी राज से छुटकारा मिले, मतलब यहाँ से अंग्रेज लोग जो भाग जाए, इनका ये उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य ये था कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करो, अगर किसी किसान के साथ कोई परेशानी आ रही है तो उसको सॉल्व करो, मतलब आप समझ रहे हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोजीशन ना बदलती हुई आ रही है। यहाँ पर क्या है, अब लोग ये नहीं चाहते कि हमारी मांगे पूरी करो, अब लोगों ने ये दिखा दिया कि यहाँ पर क्या है, हम तुमसे छुटकारा चाहते हैं, अंग्रेजों को ये बता दिया। तो ये सारी जो चीज़ें यहाँ पर, इसमें परिवर्तन आया। आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है यूनिट, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप बता सकते हो, ठीक है। वीडियो लाइक कर सकते हो आप, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हो जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।